हेलो फ्रेंड्स, दिस इज लोकेश एंड आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल असाइनमेंट। तो जैसा कि आपने हमारे थंगल में देख ही लिया है कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं हमारे, उनको हमें पेपर में अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है, हमारा फोकस इस चीज़ पे नहीं रहेगा कि हम किस टाइप से, मतलब उनमें क्या लिखना है। ठीक है, इसके लिए आपको और वीडियोस, लाखों वीडियो, हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे आपको यूट्यूब के ऊपर। हमारा फोकस रहेगा कि मेन जो हमारे पेपर में अटेम्प्ट कैसे करना होता है उसको। ठीक है, तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं शुरू करता हूँ। तो चलो चलते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं एक या दो नंबर से। ठीक है, अगर हमारा कोई भी ट्रांसफार्मर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है एक या दो नंबर में, तो सिंपल हमारा पूछा हुआ होता है कि डिफाइन ट्रांसफार्मर, बस। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछता कि उसके टाइप्स, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल कुछ नहीं पूछता। सिंपल पूछता है कि ट्रांसफार्मर डिफाइन करो। ठीक है, तो हमें क्या लगना है, दो लाइन की डेफिनेशन लिख देनी है कि ट्रांसफार्मर एक स्टेटिक डिवाइस है जो हमारा एनर्जी को ट्रांसफर करने का काम आता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में। ठीक है, तो ये हमें दो नंबर की डेफिनेशन लिख देनी है। ज़्यादा हमें लेंथी नहीं बनाना है, एग्जामिनर के लिए हमें जितना आसान बनाया जाए उतना आसान बनाना है हमें पेपर को, ताकि वो इजीली नंबर दे, ज़्यादा उसको ये ना लगे कि बच्चे ने चीटिंग से किया है। ठीक है, अब आते हैं हमारे तीन से चार नंबर या पाँच नंबर में, हमारा किस टाइप से अटैम्प्ट करना है। तो क्वेश्चन पहले किस टाइप से आता है कि डिफाइन ट्रांसफार्मर इट्स कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। ठीक है, तो हमारा पहले क्या करना है, डेफिनेशन हमारी सेम रहेगी पहले वाली। अब आती बात कंस्ट्रक्शन की, तो देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको कि कई मेरे फ्रेंड्स क्या बोलते हैं कि मैं पेपर में अटैम्प्ट तो करके आता हूँ बट पता नहीं मेरे नंबर कहाँ कट जाते हैं। तो देखिए, उनका जो अटैम्प्ट करने का तरीका रहता है ना, वो गलत रहता है। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है कि डेफिनेशन को लिख दिया दो लाइंस में। अब जो इसकी कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन को हमें ना ज़्यादा उसको डीप में या फिर उसको खोल के नहीं लिखना है। हमें सिंपल क्या करना है कि उसको हमें पॉइंट्स पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, जैसे एक नंबर दो नंबर ऐसे लिख के, और वाइंडिंग, स्कोर, बुशिंग ऐसे करके हमें उसके पॉइंट्स पर लिखने हैं, उनको डिफाइन नहीं करना है। ठीक है, ये आते हैं बात चार पाँच या तीन नंबर की। ठीक है, उसमें अच्छा अब आता है वर्किंग की बात। तो वर्किंग में हमें देखो क्या करना है, ऊपर दो लाइन में तो उसका प्रिंसिपल डिफाइन हो जाएगा छोटा सा कि किस प्रिंसिपल के बेस पर काम करता है। ओके, एंड देन हमारा क्या है कि इसकी वर्किंग लिखनी है कंप्लीट डिटेल में, जितना आप डिटेल में लिख सकें उतना आपको इसकी वर्किंग लिखनी है। ठीक है, ये बस ये मेन बात ध्यान रखें आपको कि जो कंस्ट्रक्शन है उसके पॉइंट्स लिखने हैं, ना कि उनको डिफाइन करना है। ओके, ये मेन बात ध्यान रखें। अब आते हैं हमारा 8, 10 या 12 नंबर में जो हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको अटैम्प्ट कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारा आता है कि डिफाइन ट्रांसफार्मर इट्स कंस्ट्रक्शन इट्स वर्किंग एंड विद इन नीड डायग्राम। ठीक है, ऐसे करके पूछता है जैसे। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले डेफिनेशन हमारा वही रहेगा, फॉर्मेट सेम रखना है आपको, डेफिनेशन वही रहेगा हमारा। कंस्ट्रक्शन के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस है क्या कि पहले हमें लिखना है कंस्ट्रक्शन में उसके पॉइंट्स बना के। ठीक है, पॉइंट्स बना के हमें लिखना है कि पहला वाइंडिंग, कोर, बुशिंग। ठीक है, एंड देन उसके बाद उन पॉइंट्स को डिफाइन करना है हमें, एक एक को एक्सप्लेन करना है उसको। ठीक है, दिए हैं 10 नंबर वाले में, 8, 10 या 12 नंबर में। ठीक है, उनको एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, ये मैंने फॉर्मेट ऐसा क्यों लिया, क्योंकि देखिए क्या होता है कि एग्जामिनर जो है वो आपके इन पॉइंट्स को ढूंढेगा नहीं कि आपने एक नंबर कहाँ लिखा, दो नंबर कहाँ लिखा है। अगर आपने ऊपर ही उनको मेन में लिख के रख दिया है तो वो बस उन पे फोकस रखेगा, क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपका एक एक पॉइंट्स को पढ़े, देखे उसको, उसको 100 से 200 को कॉपियाँ जो होती हैं वो चेक करनी होती हैं। तो इसलिए वो आपके ऊपर ऊपर के पॉइंट्स पढ़ लेता है, उसके बेस पे आपको नंबर देता है। ठीक है, तो पॉइंट्स आपसे जितने पॉसिबल हो उतने लिखने हैं, और ये फॉर्मेट ज़रूर लेना है। ठीक है, एंड देन हम बात करते हैं इनके टाइप्स, जो हमारी कंस्ट्रक्शन है इनको ठीक से डिफाइन कर देना है, एक्सप्लेन कर देना है। एंड देन सबसे मेन चीज़ जो आती है हमारी वो होता है डायग्राम। ठीक है, तो डायग्राम में देखिए क्या करना है कि हमें ना एक डायग्राम ज़रूर बनाना है पेंसिल से, जैसा कि आप बेसिक जानते ही हैं तो आपको पता होगा मुझसे ज़्यादा। तो एक पेंसिल से नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना है ट्रांसफार्मर का। ठीक है, एंड देन हमारा आता है वर्किंग। तो वर्किंग में हमें छोटा सा प्रिंसिपल लिख के ऊपर, म्यूचुअल इंडक्शन बेस पे काम करता है, फिर उसके बाद में इसकी वर्किंग को डिफाइन कर देना, ठीक से एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, वर्किंग को ठीक से एक्सप्लेन करने के बाद हमारा आता है वर्किंग, लगभग हमारा 8 से 9 या 10 लाइन में, जितना आप हो सके मिनिमम 9 या 10 लाइन होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा वर्किंग हो जाता है। फिर बात आती है हमारी एप्लीकेशंस की, कि इसके कहाँ का एप्लीकेशन होते हैं। एप्लीकेशन में आप पॉइंट्स बना के लिख सकते हैं या फिर सिंपल वैसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा सबसे जो मेन बात आती है वो बताता हूँ मैं आपको,
कि जो आपका डायग्राम है, देखिए कई बच्चे क्या गलती करते हैं कि जो डायग्राम होता है या तो उसको सबसे टॉप पे बना देंगे, सबसे स्टार्टिंग में, ठीक है, या फिर क्या करेंगे सबसे एंड में बना देंगे उसको। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको डायग्राम जो है या तो ऐसे लिखना, ऐसे बनाना है कि पहले उसकी डेफिनेशन ट्रांसफॉर्मर की एंड देन डायग्राम, उसके बाद फिर सारा आपको एक्सप्लेन, वर्किंग, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एप्लीकेशन सारा, ठीक है। मतलब पहले डेफिनेशन, उसके बाद डायग्राम, उसके बाद फिर आपके कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, ठीक है। या फिर एक फॉर्मेट होता है जो मैंने इसमें दिखा रखा है आपको कि पहले हमारा कंस्ट्रक्शन, ठीक है, नहीं पहले डेफिनेशन, कंस्ट्रक्शन, एंड कंस्ट्रक्शन के बाद फिर हमें लेना है ट्रांसफार्मर का डायग्राम, ठीक है, उसके बाद हम वर्किंग लिखेंगे, ठीक है। तो जैसा आप चाहें, मतलब मेरे कहने का कि डायग्राम जो है ना वो बीच में रखना है, ना कि स्टार्टिंग या एंड में, ठीक है, क्योंकि डायग्राम से बहुत इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर को, ठीक है। उसको पता चलता है कि हाँ जो बच्चा है उसको नॉलेज है, अटेम्प्ट कर रहा है, ठीक है। तो आपको ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन आते हैं अगर, तो आपको ऐसे इसको अटेम्प्ट करके आना है, बिल्कुल भी आपका नंबर नहीं कटेगा कहीं पे भी, ठीक है। मैं पॉइंट्स वाली जो मैंने बात बोली है इस पर ज़्यादा गौर करना है आपको, ठीक है। तो थैंक्स फ्रेंड्स, और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे आगे इस टाइप के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल असाइनमेंट। थैंक यू।